हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज। हियर इज लेक्चर नंबर 3 ऑन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। आई होप दैट यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस लेक्चर सीरीज एंड यू ऑल आर वेल, हेल्दी एंड हैप्पी एट योर होम। मैं आशा करता हूँ कि इस पेंडेमिक के टाइम में आप अपने घरों पर सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। कृपया सैनिटेशन का, हाइजीन का और गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आज के हमारे लेक्चर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। हमने क्वांटम मैकेनिक्स के पहले लेक्चर में क्लासिकल फिजिक्स का रिव्यू लिया था। दूसरे लेक्चर में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ा था। तो आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर ये क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास है या क्लासिकल फिजिक्स की क्लास है, क्योंकि पहला लेक्चर क्लासिकल फिजिक्स का रिव्यू, दूसरा लेक्चर डिटेल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों, साथियों, ये इसलिए आवश्यक है कि हमें ये पता लगे कि उस समय के वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, क्या हो रहा था और अलग अलग वैज्ञानिक किन समस्याओं पर एक साथ काम कर रहे थे। इसलिए इन सभी चीज़ों का जो लेक्चर्स में हमने पढ़ी है उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, और उस हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को जाने बिना यदि हम सीधे क्वांटम मैकेनिक्स पर जाते तो शायद हम उन चीज़ों की वैल्यू या उन चीज़ों का महत्व नहीं समझ पाते। तो आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से। एक्चुअल में फिजिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ वो दो अलग अलग धाराओं में हुआ, या मैं यूं कहूं, यू कैन डिवाइड द फिजिसिस्ट इनटू द मेन टू स्ट्रीम्स। वन इज एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट एंड द सेकंड इज थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। क्या होता है, कई बार तो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो थ्योरी से आगे चले जाते हैं, और कई बार थ्योरीज जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंट्स का इंतजार नहीं करती, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती हैं कि यदि कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो इस तरह के कुछ मिलेगा। यहाँ पर जो इस थ्योरेटिकल फिजिक्स का जो सबसे सफल उदाहरण है, द मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स इज द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। दिस एक्सपेरिमेंट, जिसे हम महाप्रयोग भी बोलते हैं, इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड मॉडल, ए सक्सेसफुल थ्योरी ऑफ द थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का जो विकास हुआ है वो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट ने उस समय कुछ थ्योरीज दी, और उस समय की जो ज्ञात थ्योरीज थी वो उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तब हमें कुछ नई थ्योरी देनी पड़ी, और जिससे कि क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ, जिससे कि फिजिक्स में एक रिवोल्यूशन आया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में, एट द लेट ऑफ 19th century और द अर्ली टर्न ऑफ 20th century, देर वर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विच वर नॉट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाई द एग्जिस्टिंग क्लासिकल थ्योरीज। और यूं कहो कि 20वीं शताब्दी के पहले क्वार्टर में ऐसे खूब सारे प्रयोग हुए जो उस समय की थ्योरीज के द्वारा समझाए नहीं जा सके। उदाहरण के तौर पर उनमें पहला था, जिसकी हमने बात भी किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम।
सेकेंड है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड है कॉम्प्टन इफेक्ट, फोर्थ है पेयर प्रोटेक्शन। ये सारे वो प्रयोग थे जो उस समय की एग्जिस्टिंग थ्योरीज थी उनसे इनके परिणाम नहीं समझाए जा सके, तो हमें एक बिल्कुल कंप्लीटली नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जो कि इन परिणामों के जो इन प्रयोगों के परिणामों को हमें समझा दे, और उसी के क्रम में जो है वो क्वांटम यांत्रिकी का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का, कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए कौन कौन सी क्लासिकल थ्योरीज आई। यहां यह कहना कि क्लासिकल फिजिसिस्ट ने इन एक्सपेरिमेंट्स को समझाने के लिए प्रयास नहीं किया, ये बिल्कुल गलत होगा। दे ट्राइड वेरी वेल टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ दीज ऑल एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर एफर्ट्स वॉज यूज बाई द सक्सेसिव साइंटिस्ट्स इन डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू थियरी। तो यहाँ पर पहला जो हम पढ़ रहे हैं नियम वो है वीन्स रेडिएशन लॉ। यस, द सेम वीन विच वी हैव यूज्ड इन अवर लास्ट लेक्चर इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन का विस्थापन का नियम लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बी, वीन्स कॉन्स्टेंट। इस वीन्स रेडिएशन लॉ को वीन्स अप्रोक्सीमेशन लॉ भी बोलते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए लैम्डा टू द पावर माइनस फाइव एक्सपोनेंशियल टू द पावर ए लैम्डा टी डी लैम्डा, वेयर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर द कॉन्स्टेंट्स, लैम्डा इज द वेवलेंथ। सो दिस इज वीन्स रेडिएशन लॉ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। और ये किस पे बेस्ड था, ये बेस्ड था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पर। और यदि हम इस नियम को फ्रीक्वेंसी में चेंज करना चाहें तो हमें पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध होता है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो हियर वी कैन गेट लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। तो आप निकालिए, देखें यहां से क्या निकालते हैं। तो डी लैम्डा इक्वल टू माइनस ऑफ सी बाई न्यू स्क्वायर डी न्यू। सो हियर वी कैन सी ए अपोजिट साइन ऑफ डी लैम्डा एंड डी न्यू, ए माइनस साइन इज हियर। व्हाट डज इट टेल, ये आपको क्या बताता है, यह माइनस साइन आपको यह बताता है वेन एवर यू इंक्रीज द वेवलेंथ द फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेस। तो इसका यूज यदि हम यहां पर करते हैं तो ये फ्रिक्वेंसी में चेंज हो जाएगा, ई न्यू डी न्यू इक्वल टू ए न्यू क्यूब अपॉन सी फोर ई टू द पावर ऑफ माइनस बी न्यू अपॉन टी डी न्यू। तो ये जो नियम है ये है वीन्स रेडिएशन लॉ। ये जो है वो तो लिखा है मैंने वेवलेंथ की टर्म्स में, और ये फॉर्मूला लगाकर मैंने इसको लिख दिया है फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में।
अब हम ये देखते हैं कि वीन का जो ये नियम था, क्या इसने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के संपूर्ण भागों को समझा दिया? नहीं, ये नियम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के संपूर्ण भाग को समझाने में असफल रहा। दिस लॉ वॉज ओनली सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन द लोअर वेवलेंथ रीजन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। एक्स एक्सिस पे मैंने पहले वेवलेंथ लिया है, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी, तो ये लोअर वेवलेंथ रीजन के लिए ही सही था। तो ये है आपका वीन्स रेडिएशन लो, और ये क्या है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल कर्व है जो एक्सपेरिमेंट से आपको मिला है। तो देखिए आप, ये जो है वो डाइवर्ज हो रहा है, हायर वेवलेंथ की तरफ वीन्स रेडिएशन लो एक्सपेरिमेंटल कर्व से डाइवर्जन दिखा रहा है। यदि मैं इसको फ्रीक्वेंसी के लिए बनाऊं, तो ये आपके यहां पर इंटेंसिटी, ये इस पर फ्रीक्वेंसी, इस बार ये ग्राफ जो है वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है। तो जो लोअर वेवलेंथ रीजन में ट्रू था वो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में ट्रू होगा। तो इस बार ये कहां ट्रू हुआ, ये हायर जो फ्रीक्वेंसी रीजन है उसके लिए सही रहा। तो ये तो हमारा हुआ पहला क्लासिकल लो जो हमने देखा कि फेल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा क्लासिकल लो। ये आप उतार लेना ताकि हम इसका आगे कंपैरिजन करेंगे, या आप ध्यान रखिएगा। सेकंड है रेले जीन्स लो। ये रेले और जीन्स दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रॉपर इसको लिखते हैं रेले जीन्स रेडिएशन लो, जिन्होंने ये रेडिएशन का नियम दिया था। इनका ये नियम कुछ एज्यूम्सन्स पर बेस्ड था, दो एज्यूम्सन्स इन्होंने माने। पहला एज्यूम्सन्स को मैं ए नाम देता हूं, द एज्यूम्ड स्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनसाइड कैविटी क्या माना इन्होंने कि द एज्यूम्ड स्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनसाइड कैविटी। ये जो एज्यूम्शन इनका था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर बेस्ड था। तो मैं यहां लिख देता हूं किस पे बेस्ड था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे। सेकंड जो एज्यूम्शन था वो ये था, दे यूज्ड इक्विपार्टीशन थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ ए स्टैंडिंग वेव।
तो ये दो अज्यूम्शंस माने उन्होंने, और ये जो दूसरा अज्यूम्शन था वो किस पर बेस्ड था? थर्मोडायनेमिक्स पर. द सेकेंड अज्यूम्शन वॉज बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स. तो अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं आपको कि जो ये केविटी है, जैसे हमने कल बात किया था, ये मान लीजिए कि कोई केविटी है, ब्लैक बॉडी है, और ये इसका पिन होल है यहां पर. तो ये जो स्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई कहां से? सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से आई केविटी के अंदर? तो ये केविटी सपोज करो किसी टी टेम्परेचर पर है. हमने कल बात की, लास्ट लेक्चर में बात किया था कि अलग अलग टेम्परेचर्स पर रख के इसको थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड करने देते हैं, और फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर से इसके अलग अलग जो स्पेक्ट्रम है वो रिकॉर्ड करते हैं. तो मान लीजिए अभी ये किसी टी टेम्परेचर पर है, थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, तो क्या होगा कि केविटी की वॉल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? थर्मल मोशंस करेंगे. थर्मल एजिटेशंस की वजह से कुछ रेंडम ऑसिलेटिंग मोशंस करेंगे अपने जो मेन पोजिशन है उसके चारों तरफ. क्या करेंगे? ऑसिलेटरी मोशन करेंगे. एंड सिंस वी ऑल नो दैट ऑसिलेटरी मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन, एंड ईच एंड एवरी एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर इस केविटी के अंदर हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं, और उस ऑसिलेटरी मोशन की वजह से ये इस केविटी के अंदर क्या कर रहे हैं? थर्मल रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं. ये वर्ड लिखा हमने कि स्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं. ये क्यों अज्यूम्शन लिया उन्होंने? स्टैंडिंग वेव्स इसलिए बनी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव्स हैं, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि इस दीवार पर, इस केविटी की वॉल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नोड बनेगा. क्या बनेगा? नोड बनेगा, एंटी नोड नहीं बनेगा, और दूसरी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, परफेक्टली नोड होगा. नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर वेव्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. और जो दूसरी तरफ दूसरी वॉल है वहां पर भी क्या बनेगा? नोड बनेगा. यहां पर नोड क्यों बनेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वॉल के पैरेलल में होता है, और यदि वॉल के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा और करंट मिलेगी. इसलिए जरूरी है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस वॉल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? जीरो हो जाए. तो ये इसका मतलब यहां पर नोड बना. तो दोनों तरफ नोड बने, तो दोनों तरफ नोड बने, ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? सपोज दैट यू क्लैंप ए रॉप फ्रॉम टू एंड्स, और अब उसके बाद आपने इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया, तो क्या बनेंगे इस रॉप के अंदर? स्टैंडिंग वेव्स. तो ये जो है स्टैंडिंग वेव्स इसलिए बनी. तो ये पहला अज्यूम्शन क्लियर हुआ. और इन्होंने क्या क्या माना? इक्विपार्टीशन थ्योरम मानी कि इस केविटी के अंदर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी हैं, जनरेट हुई हैं, उनकी एवरेज टोटल एनर्जी क्या होगी पर स्टैंडिंग वेव के लिए. तो इसके लिए उन्होंने क्या माना? इक्विपार्टीशन थ्योरम का सहारा लिया. और इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या कहती है? इक्विपार्टीशन थ्योरम सेज दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ केटी. क्या है ये? हाफ ऑफ केटी. प्रत्येक स्वतंत्र विधा के लिए, प्रत्येक अणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ केटी होती है. लेकिन मैं यहां क्या लिख रहा हूं? 2 × ½ KT विच इज केटी. ये 2 कहां से आया? क्योंकि ये तो क्या है जो मैंने यहां लिखा है? दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी. और ये क्या है? एवरेज टोटल एनर्जी. तो जहां भी ऑसिलेटरी मोशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशंस होती हैं वहां पर एवरेज एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की
दो गुना होती है। तो यहां से मिला कि ये ई जो है एवरेज एनर्जी ऑफ द पर स्टैंडिंग वेव इज केटी। तो इन दोनों के साथ ये इनका जो एज्यूम्शंस के साथ इनका रेडिएशन लो डिपेंड करता था। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि ये रेलेजेंस का रेडिएशन लो कैसे आया। ये बात हम रेलेजेंस के रेडिएशन लो पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो चीज उन्होंने निकाला वो क्या निकाला, डेंसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इनसाइड केविटी। केविटी के अंदर जो स्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनकी डेंसिटी क्या है, तो उसको नाम क्या दिया, एन न्यू डी न्यू। और क्या है उनकी डेंसिटी, 8 pi nu square upon c cube d nu। ओके, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यू शुड रेफर एनी टेक्स्ट बुक टू गेट इट। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको ये करना चाहिए। और दूसरा क्या था, सेकंड, टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ द ईच एंड एवरी स्टैंडिंग वेव इनसाइड द केविटी इज व्हाट, केटी। तो अब यहां पर हम लिखते हैं एनर्जी डेंसिटी इन केविटी इज इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन केविटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ ए स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिखता हूं ऊपर, तो इसको तो क्या लिखा, यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 pi nu square upon c cube d nu into kt। तो ये क्या आ गया आपके पास, 8 pi nu square kt upon c cube d nu u nu d nu। सो दिस इज व्हाट, 8 pi nu square kt upon c cube d nu इज द प्लांक इज द रेलेजिन्स रेडिएशन लो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसको हम वेवलेंथ की टर्म्स में कैसे चेंज कर सकते हैं, वेवलेंथ के लिए अभी हमने क्या लिखा था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। सो यू कैन यूज दैट न्यू इक्वल टू c by lambda and that is d nu equal to minus c upon lambda square d lambda. We dropped minus sign here because we know that as we increase the frequency the wavelength decreases, so this will become u lambda d lambda equal to 8 pi kt divided by lambda to the power 4 into d lambda. So this is the wavelength expression of the Rayleigh-Jeans radiation law. तो जैसा कि हमने पिछली बार
वीन्स रेडिएशन लॉ में देखा था कि वीन्स रेडिएशन लॉ कैसे जो है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को बताने में फेल हुआ, उसी प्रकार इसका भी बनाते हैं। तो ये मान लीजिए कि इस बार मैंने लैम्डा, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच बनाया है। तो रेलेजेंस रेडिएशन लो जो है वो हाई वेवलेंथ रीजन के लिए तो ट्रू था, सही था, जबकि लोअर वेवलेंथ रीजन के लिए डाइवर्जन दिखा रहा था, गलत था। तो ये क्या है, रेलेजेंस लो, और ये क्या है आपका, आपका एक्सपेरिमेंटल कर्व है। तो हाई लैम्डाज के लिए द रीजन ऑफ द हायर वेवलेंस ये क्या है, सही था, और लोअर वेवलेंस के लिए क्या कर रहा है, एकदम डाइवर्जन दिखा रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बिल्कुल ही अलग है। इसको यदि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में यदि बनाएं तो कैसे बनेगा, इस बार वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है, तो ये जो है लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए सही पाया गया। ऐसा तो ये क्या है, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल का हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए रेलेजेंस का नियम फेल हो गया, गलत हो गया। तो अब आप देखिए यहां पर कि ये जो फेलियर है क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर है, और क्लासिकल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड ये जो थ्योरी थी उसका फेलियर है, और यहां पर ये जो फेलियर है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, और वो नाम है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। वो नाम क्या है, द फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इज टर्म्ड एज अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। हिंदी में बोलते हैं इसको पराबैंगनी विपद। तो पहले तो ये नाम अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ क्यों दिया, कैटास्ट्रॉफ विपदा थी एक तरह से, ये जो था वो डाइवर्जन दिखा रहा था, गलत हो रहा था। अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी विपद ये नाम कहां से आया, कि जब हम, जैसे मैं यदि यहां पर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बनाऊं वापस छोटा सा और फ्रीक्वेंसी में है, तो विजिबल रीजन कहीं यहां पर है, ये क्या है, विजिबल रीजन, ये वेवलेंथ में है, ये इंटेंसिटी है। तो जब विजिबल रीजन यहां पर हमने बनाया है तो विजिबल रीजन का केवल ये वाला पार्ट जो है वो ही अपने को दिखाई देगा। ये वाला पार्ट किसमें है, इंफ्रारेड में। ये वाला पार्ट किसमें है, ये लोअर एनर्जी वाला अल्ट्रा वायलेट में। तो जैसे जैसे हम विजिबल से अल्ट्रा वायलेट में जाते हैं, वैसे वैसे ही विजिबल से अल्ट्रा वायलेट में जाते हैं, विजिबल से अल्ट्रा वायलेट में जाते हैं, तो रेलेजेंस का नियम क्या करता है, एकदम से ही डाइवर्जन दिखाता है। इसी चीज को हमने क्या कहा, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ। यहां पर मैं दो चीज और डिस्कस करूंगा। पहली चीज
कि जो आपका यू न्यू है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर. एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ है. फर्स्ट. सेकंड क्या है, ई इक्वल टू के टी. एवरेज एनर्जी फॉर द एवरेज टोटल एनर्जी फॉर द स्टैंडिंग वेव्स इज व्हाट, के टी. तो एक तो ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैविटी के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, थर्मल एजिटेशंस कर रहे हैं. तो थर्मल एजिटेशंस जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशंस कर रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है और वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है. मतलब कि इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी और उसके बीच में इंटरमीडिएट कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कंटिन्यूस हो सकती है. तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एनर्जी देता है, क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि वो कंटिन्यूस एनर्जी ट्रांसफर करता है, क्योंकि वो कोई भी फ्रीक्वेंसी रख सकता है, इसलिए वो कोई भी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कोई भी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैविटी के अंदर दे सकता है. पहली चीज, कंटिन्यूस ट्रांसफर. ऑफ एनर्जी, ये क्लासिकल फिजिक्स कहता है ऐसा. दूसरा क्या है कि हर एक स्टैंडिंग वेव, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, क्योंकि जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन्स जो ऑसिलेशन कर रहे हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे कैविटी में, और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो एवरेज एनर्जी क्या रख रही है, सेम रख रही है, केटी रख रही है. ऐसा हो सकता है, तो आगे देखेंगे ऐसा नहीं हो सकता. तो ये भी दूसरा है कि सेम एनर्जी केटी फॉर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो ये दो चीजें जो थी क्लासिकल फिजिक्स की, वो यहां पर मैंने नोट किए हैं और ये दोनों ही गलत है. ठीक है. और एक चीज तो ये देखिए आप, यू न्यू प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर ये नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ये एनर्जी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हुई, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वैसे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा. तो थर्मल रेडिएशंस की इंटेंसिटी इनफाइनाइट किसी भी टेम्परेचर पर नहीं होगी. तो इसलिए ये जो है नॉन फिजिकल रिजल्ट था, और इसी को ही क्या नाम दिया था, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ. ओके, तो अब हम बात करते हैं. हमने देखे कि क्लासिकल फिजिसिस्ट ने खूब प्रयास किए लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया. इवेंचुअली पूरे स्पेक्ट्रम को, लोअर एनर्जी से शुरू करके, लोअर फ्रीक्वेंसी से शुरू करके हायर फ्रीक्वेंसी तक, लोअर वेवलेंथ से लेकर हायर वेवलेंथ तक, पूरे स्पेक्ट्रम के हर एक भाग को कोई भी क्लासिकल लॉ नहीं समझा पाया. तब प्लांक ने, प्लांक उस समय ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का, थर्मल रेडिएशंस का अध्ययन कर रहे थे, और ऐसा कहते हैं लोग कि प्लांक उस समय जो लाइट बल्ब है, सॉरी, उस लाइट बल्ब की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या मैं बोलूं कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम से, या ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनका बहुत ही छोटा भाग विजिबल रीजन में आता है. और जो बल्ब, अब तो आजकल हमारे पास CFL और LED बल्ब्स हैं, लेकिन पहले लाइट बल्ब्स हुआ करते थे जिनके अंदर एक फिलामेंट होता था जो हाई टेम्परेचर पर ग्लो होके और हमें एनर्जी देता था, हमें विजिबल लाइट देता था.
तो उस बल्ब का जो टेम्परेचर होता है जब वो फुल ग्लो करता है उस समय लगभग उसका टेम्परेचर 3000 केल्विन, यस 3000 केल्विन, अ ह्यूज टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ग्लोइंग एट इट्स फुल टेम्परेचर। तो इतना टेम्परेचर के बाद भी इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स कितनी सी एनर्जी देते हैं विजिबल रीजन में, बहुत कम इंटेंसिटी के साथ। तो एक्चुअली ये कुछ ऐसा था, तो विजिबल पार्ट इसका केवल यहां आता है, ये लैम्डा मान लीजिए यहां पर, तो ये विजिबल पार्ट से कम पार्ट की तरफ, ये क्या है इंफ्रारेड रीजन, ये क्या है, और ये कौन से टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, 3000 और उससे भी ऊपर, उन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जिसमें से ये विजिबल रीजन में आया। तो बाकी देखिए आप, ये अल्ट्रावायलेट में आ गया, तो अधिकांश जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे लिए अभी भी क्या है, हमारे लिए देखने में काम नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि यदि इसी टेम्परेचर पे इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी हो तो विजिबल रीजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ जो बल्ब फैक्ट्रीज थी, बल्ब बनाने वाली जो प्रोडक्शन कंपनीज थी, उन्होंने प्लांक को ये प्रोजेक्ट दे रखा था कि इन लाइट बल्ब्स की इसी टेम्परेचर पर एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है। तो प्लांक ने सबसे पहला काम किया, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइंग बिहाइंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप देखिएगा कि प्लांक ने इस तरीके से चीजों की समझ विकसित की कि उन्होंने फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी। जो क्लासिकल फिजिक्स अपने आप में संपूर्ण लगती थी, कंप्लीट लगती थी, उस क्लासिकल फिजिक्स का एक फेलियर लोगों के सामने आ गया, वैज्ञानिकों के सामने आ गया। तो ये बात करते हैं। अब सबसे पहले प्लांक ने क्या किया, सबसे पहला काम प्लांक ने ये किया कि क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर का मतलब ये नहीं कि उनका फिजिक्स के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। उनका फिजिक्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। जरूरी नहीं कि हर वैज्ञानिक का सफल प्रयोग ही हमारे काम आए, कई असफल प्रयोग भी हमें जीवन में एक से एक आगे की तरफ बढ़ाते हैं। प्लांक ने सबसे पहले जो अध्ययन किया वो उन्हीं रेलेजेंस रेडिएशन स्पेक्ट्रम का किया कि उन्होंने जो स्पेक्ट्रम दिए उसमें क्या कमी हो सकती है, कैसे उन स्पेक्ट्रम में कमी को दूर किया जा सकता है। तो हमने अभी देखा कि एनर्जी डेंसिटी इन केविटी इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन केविटी एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ ए स्टैंडिंग वेव इनसाइड केविटी। तो प्लांक ने कहा ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द कैलकुलेशंस ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन केविटी, बट यस देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन टू द कैलकुलेशंस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए स्टैंडिंग वेव। उन्होंने कहा, प्लांक को ये, प्लांक ने ये देखा कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैंडिंग वेव्स केविटी के अंदर है उन सब की सेम एनर्जी कैसे है, पहली चीज। दूसरा उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यहां ये जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें कुछ गड़बड़ है, और उस गड़बड़ में उन्होंने ये देखा कि ये इस गड़बड़ के साथ भी जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था रेलेजेंस के लिए वो कैसा था, कुछ ऐसा था, और इसमें इस गड़बड़ के साथ भी उन्होंने देखा कि रेलेजेंस का जो रेडिएशन लो था वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में क्या था, सही था।
लेकिन हायर फ्रिक्वेंसी रीजन में वो क्या कर रहा था, कुछ असंभव भौतिक परिणाम दे रहा था, नॉन फिजिकल रिजल्ट्स दे रहा था, इनफाइनाइट जो थी वो एनर्जी डेंसिटी बता रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो एवरेज एनर्जी है उसको कुछ इस तरह होना चाहिए कि जो लो फ्रिक्वेंसी हो तब वो क्या हो जाए, केटी में चेंज हो जाए। क्योंकि केटी क्या है, रेले जींस ने जो एवरेज एनर्जी मानी थी वही है, तो उसमें तो सही रिजल्ट आ रहे हैं। सेकेंड उन्होंने कहा कि ये जो एवरेज एनर्जी है वो हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में जीरो हो जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज एनर्जी मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने यहीं से बताया कि दिस एवरेज एनर्जी मस्ट बी द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एवरेज एनर्जी क्या होनी चाहिए, इस फ्रीक्वेंसी का फलन होनी ही होनी चाहिए। जबकि यहां पर क्या थी, एवरेज एनर्जी कांस्टेंट थी, फ्रीक्वेंसी से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट थी, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी। दूसरा जो इन्होंने प्लांक ने देखा, तीसरी चीज प्लांक ने देखा कि जो ऑसिलेटर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कंटिन्यू एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। यदि इस स्पेक्ट्रम को सही करना है, यदि कुछ ऐसी थ्योरी डेवलप करनी है जिसमें स्पेक्ट्रम जो है थ्योरिटिकल वो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर पूरी तरीके से ओवरलैप हो जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो एनर्जी का जो आदान प्रदान है, जो ट्रांसफर है ऑसिलेटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वो डिस्क्रीट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। इसी पर जो हमने नियम पढ़ा वो पढ़ा है प्लांक क्वांटाइजेशन लॉ, क्वांटाइज होना चाहिए वो नियम एनर्जी का। तो उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है दिस मस्ट बी इक्वल टू इधर जीरो, इधर डेल्टा ई, इधर टू डेल्टा ई, इधर थ्री डेल्टा ई, बिल्कुल क्लासिकल से अपोजिट। क्लासिकल तो क्या कह रहा था, हर फ्रीक्वेंसी पे आप एनर्जी ले सकते हैं, कंटिन्यूस एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब एनर्जी भी कुछ भी हो सकती है। तो एनर्जी कंटिन्यूस ट्रांसफर हो रही थी, यहां पर क्या है, एनर्जी कंटिन्यूस ट्रांसफर नहीं हो रही है, एनर्जी पैकेट्स में ट्रांसफर हो रही है। या तो एनर्जी डेल्टा ई ट्रांसफर होगी, या एनर्जी टू डेल्टा ई ट्रांसफर होगी, या थ्री डेल्टा ई ट्रांसफर होगी। और जो मिनिमम पैकेट है डेल्टा ई, दैट इज व्हाट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड डेल्टा ई इज व्हाट इक्वल टू एच न्यू। दिस एच इज नोन एज प्लांक्स कॉन्स्टेंट, और ये एच की वैल्यू कहां से आई, उन्होंने एच की भी लगभग मान पहले ही अपने थ्योरी में निकाल के दे दिया था। एच की वैल्यू कहां से आई, उन्होंने देखा कि जब उनके थ्योरेटिकल रिजल्ट्स जो थे वो इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे बेस्ट फिट हो गए, वहां से उन्होंने एच की वैल्यू निकाली और एच की वैल्यू हमें यहां पर दिया। तो ये प्लांक ने कुछ ऑब्जर्वेशंस फेलियर थ्योरीज को देखकर पढ़कर निकाले, इसलिए साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, सक्सेस और फेलियर कुछ नहीं होता, एक प्रयोग होता है, और ये असफल प्रयोग भी प्लांक के प्रयोग को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्लांक का ये जो रेडिएशन लो क्या होता है, ये प्लांक का क्वांटाइजेशन नियम था। तो इसको अब हम ये भी लिख सकते हैं, अच्छा यही लिखते हैं आमतौर, अभी और पढ़ेंगे इसको। तो प्लांक का क्वांटाइजेशन नियम क्या हो गया, प्लांक का क्वांटाइजेशन नियम हो गया कि ई इक्वल टू जीरो डेल्टा ई, टू डेल्टा ई, थ्री डेल्टा ई एंड सो ऑन। तो डेल्टा ई है दैट इज द प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इज नोन एज
Planck's constant, and that's why now E becomes n h nu, where n is what? A integer number. N is what? A integer number. तो अब यहां से जो आप पॉपुलरली पढ़ते हैं कि प्लैंक का क्वांटाइजेशन E इक्वल टू एच न्यू, टू एच न्यू, थ्री एच न्यू, वो यहां से आता है. और जो ये प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू है 6.62 इंटू 10 रेस टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड. 6.62 ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है. 6.62 इंटू 10 रेस टू द पावर -34 जूल सेकेंड, एमकेएस मात्रक है. तो अब इसके आधार पर प्लैंक ने ये जो एनर्जी थी E इक्वल टू एन एच न्यू, इसके आधार पर स्टैंडिंग वेव्स की एवरेज टोटल एनर्जी निकाली एक स्टैंडिंग वेव के लिए. और उसका जो फॉर्मूला निकाला वो था एच न्यू अपॉन E टू द पावर ऑफ एच न्यू बाई के टी माइनस वन. ये एक सेकेंड डेरिवेशन है जो आज हमने यहाँ पर स्किप किया है और आपके लिए छोड़ा है. यू कैन रेफर एनी टेक्स्ट बुक ऑफ योर ग्रेजुएशन टू फाइंड आउट दिस. डू इट योर सेल्फ, इट इज माई सजेशन टू यू. दिस ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट, बिकॉज E आपको पता है E क्या है. किसी ऑसिलेटर के लिए एच न्यू, किसी के लिए टू एच न्यू, किसी के लिए थ्री एच न्यू, किसी के लिए एन एच न्यू, इन सब का जो एवरेज है वो ये आता है. तो एवरेज एनर्जी के फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं. तो अब ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला अपने जो है वो उसमें रखते हैं. तो ये तो प्लैंक का क्वांटाइजेशन नियम था. अब पढ़ते हैं हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. प्लैंक्स रेडिएशन, प्लैंक का विकिरण नियम, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. तो देखिए अब हम वापस वही लिखेंगे, एनर्जी डेंसिटी इन केविटी इज व्हाट. अब तो याद हो गया होगा शायद आपको, मैंने चौथी बार यहां लिख दिया है. डेंसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन केविटी मल्टीप्लाइड बाई टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ ए स्टैंडिंग वेव. ठीक है, तो ये क्या है u न्यू d न्यू, ये क्या है 8 पाई न्यू स्क्वायर d न्यू डिवाइडेड बाय c क्यूब. और ये पहले वाला ही, ये इसमें प्लैंक ने कोई चेंज नहीं किया. तो ये हम डायरेक्ट जो रेलेजेंस नियम है उससे बोरो कर सकते हैं. यहाँ पर रेलेजेंस के नियम में एवरेज एनर्जी जो थी वो KT आ रही थी, यहाँ पर इस बार प्लैंक की जो एनर्जी है वो आएगी विद रेफरेंस ऑफ द क्वांटाइजेशन कंडीशन, और वो आएगी एच न्यू अपॉन ई टू द पावर ऑफ एच न्यू बाई KT माइनस वन. तो ये टोटल जो बनता है ये बनता है 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई c क्यूब e टू द पावर ऑफ h न्यू बाई KT माइनस वन और d न्यू. आप इसको वेवलेंथ में चेंज कर सकते हैं. दिस इज योर होम असाइनमेंट.
that you should change the Planck's radiation law in terms of frequency to the Planck's radiation law in terms of wavelength, keeping in mind the relation between the wavelength and frequency. तो अब देखिए ये जो नियम है, इस नियम ने आश्चर्यजनक रूप से, surprisingly, this was a complete theoretical law, but still it was successful to explain the whole part of the black body radiation spectra, and this is the actual success of the Planck's theory. यदि मैं यहां पर वो अभी जो ग्राफ प्लॉट किए थे वो करता हूं, तो ये प्लांक का नियम बिल्कुल इस पूरे के ऊपर, थोड़ी बहुत एरर उसमें रही होगी लेकिन उसको पूरी तरह से ओवरलैप कर गया. तो यही तो आपका एक्सपेरिमेंटल कर्व है और यही क्या है आपका प्लांक्स रेडिएशन लो है. तो ऐसा नहीं है कि प्लांक का रेडिएशन लो लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए हायर फ्रीक्वेंसी के लिए सही था, जैसा कि रेलेजिन्स और वीन्स रेडिएशन लो थे. प्लांक का रेडिएशन लो लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी तक पूरे स्पेक्ट्रम के हर एक भाग के लिए क्या हुआ, सही साबित हुआ. और इसीलिए प्लांक के इस नियम की सफलता के लिए, जिसने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नया रास्ता खोल दिया और हमारे को एक नई फिजिक्स का डेवलपमेंट दिखाई दिया जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, इस क्वांटा से ही जो हमने स्मॉल डेल्टा ई बनाया था, जो मिनिमम एनर्जी का पैकेट ऑसिलेटर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसफ़र हो सकता है, एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस ट्रांसफ़र नहीं होती, डिस्क्रीट रूप में ट्रांसफ़र होती है, इसी को मिनिमम जो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र हो सकती है उसको डेल्टा ई नाम दिया, उसको क्वांटा कहा, और क्वांटा से ही जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की यात्रा शुरू होती है. और प्लांक का ये काम इतना महत्वपूर्ण था कि प्लांक के काम को 1918 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. प्लांक जर्मनी से थे और प्लांक के नाम पर जर्मनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध केंद्र है, प्लांक रिसर्च सोसाइटी, और प्लांक वाज द पायोनियर ऑफ दिस न्यू थियोरी, वाज द गॉडफादर ऑफ दिस न्यू थियोरी. आगे कुछ और काम करते हैं जो आपका होम असाइनमेंट है. हम डिस्कशन ऑफ रेडिएशन, प्लांक्स रेडिएशन लो लेते हैं. Obtain Wien's radiation law in कौन से रीजन में आएगा Wien's radiation law? Low wavelength region by using Planck's रेडिएशन लो. प्लांक के नियम का उपयोग करते हुए कम तरंगदैर्ध्य क्षेत्र में वीन के नियम को व्युत्पन्न कीजिए. यह काम मैंने अभी बोर्ड पे थोड़ी देर पहले कर दिया था जब मैंने कहा था कि जो एवरेज एनर्जी है वो
लोअर वेवलेंथ रीजन में KT के बराबर होनी चाहिए और हायर वेवलेंथ रीजन में 0 के बराबर होनी चाहिए, तो ये काम आप घर पे कर सकते हैं। दूसरा, ठीक इसी तरह से ऑप्टेन रेलिजेंस रेडिएशन लो रेलिजेंस रेडिएशन लो इन हाई वेवलेंथ रीजन यूजिंग प्लांक्स रेडिएशन लो। तो ये दो होम असाइनमेंट है, और इससे पहले हमने आपके लिए दो डेरिवेशंस भी होम असाइनमेंट के लिए छोड़े हैं, एक तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और डेंसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, और एक एवरेज एनर्जी ऑफ द प्लांक्स ऑसिलेटर। तो ये चार आपके होम असाइनमेंट है, और आज का लेक्चर अब यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर 4 में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।